नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। कानपुर गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैधानी ने स्वयं के गोद लिए हुए विद्यालय प्राथमिक कन्या विद्यालय शास्त्री नगर प्रथम में जाकर वहां के प्रधानाचार्य और स्टाफ के साथ विद्यालय के नव निर्माण हेतु योजना पर चर्चा और निरीक्षण किया। विधायक ने अपने साथ इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट तथा सिविल निर्माण और स्मार्ट क्लास के जानकारों की टेक्निकल टीम के साथ पहुंचे और पूरे विद्यालय के नवनिर्माण के खाका को उनके साथ तैयार किया। स्वयं के गोद लिए हुए छोटी बच्चियों के स्कूल प्राथमिक कन्या विद्यालय शास्त्री नगर प्रथम में इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट टीम के साथ कार्य योजना की ड्राइंग वगैरह और बच्चों को दी जाने वाली सुविधा को अंतिम स्वरूप दिया। विधायक ने कहा कि हमारा संकल्प है कि गरीब का बच्चा कक्षा 5 तक के विद्यालय में छोटी छोटी बच्चियां भी एसी और कंप्यूटर वाले स्मार्ट क्लास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करें। इस पर नक्शा भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही 2 माह के भीतर सारी टेक्निकल चीज़ों की खरीदारी कराकर निर्माण कार्य भी प्रारंभ करा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक सुरेंद्र मैधानी, नगर पार्षद दीपक सिंह, आदिशासी अभियंता अपूर्व कटियार, सहायक अभियंता हर्षित दुबे के साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, शास्त्री नगर प्राथमिक कन्या विद्यालय छोटे छोटे बच्चों का, कक्षा 5 तक की बच्चियाँ जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, जिनके तन पे कपड़े नहीं होते, जिनकी कल्पना एक अच्छे विद्यालय में जाकर के शिक्षा को ग्रहण करने की नहीं होती है, उन बच्चियों को जो मैंने गोद लिया है, उन बच्चियों को एक स्मार्ट क्लास देना जिसमें एसी लगा हो, टाइल्स लगे हों, कलरफुल बेंचें हों जिस पर वो बैठें और उनको एक ऐसा वातावरण मिले जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में ऐसा वातावरण ना मिल सके, जिससे उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े और जब वो अपनी बस्तियों में जाएं तो बच्चों को बताएं कि इस स्कूल में चलिए, इस विद्यालय में चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिससे उनकी शिक्षा में रुचि बढ़ती है। जैसे उनको जू ले जा करके उनको टॉय ट्रेन पर घुमाना, ये काम करा करके मैंने उनकी और शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाने में इसको भी एक माध्यम बनाया। इसके अलावा अभी उनको नौका विहार में ले जा करके उनकी इस भी रुचि को बढ़ा करके कि इस विद्यालय से वो गरीब बच्चे नौका विहार करके भी अपने शिक्षा को ग्रहण करेंगे। यानी इन एक तरफ अगर इन्जॉय होगा, दूसरी तरफ शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा और उन इंग्लिश मीडियम स्कूल के टक्कर का हमारा ये प्राथमिक कन्या विद्यालय होगा जिसमें बच्चे इतने आकर्षित होंगे कि उसे मुझे लगता है कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे होंगे वो भी इसमें आएंगे, क्योंकि इसमें कंप्यूटर क्लासेस अलग होंगी, एक बैठने का जिसमें बच्चे लंच करेंगे वो एक हॉल अलग होगा, उनके लिए एक टॉयलेट अलग होगा, दिव्यांगों के लिए टॉयलेट अलग होगा और एक IITian 2 बच्चे ऐसे हम ला रहे हैं जो IITian बच्चे, उनको कंप्यूटर पे उनकी उंगलियों को चला करके उनको खेल खेल में कंप्यूटर सीखें, इस प्रकार का वातावरण इस विद्यालय में देख करके उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का एक ईश्वरीय कार्य। क्योंकि मेरा मानना है कि हर कार्य केवल वोट के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे भी करने चाहिए जो अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जनादेश प्राप्त हुआ है, तो हम कुछ ऐसे भी कार्य करें जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आम बच्चों को और लोगों को लगे कि विधायक जी ने वोट की सीमा से ऊपर उठ करके आम जनता के लिए कुछ सोचा और कुछ करने की ठानी।